हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, मैं आज आपके लिए लाया बढ़िया से टेक न्यूज़। सुबह के अभी 8:30 हो चुके हैं, 31 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टेक न्यूज़ लाया हूँ कि जैसे हम अपने कोई मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं उसमें जो पिक्स होते हैं, जो अपने फ़ोटो खींचते हैं अपने स्मार्टफोन से, वो अगर डिलीट हो जाए तो उसको कैसे हम रिकवर कर सकते हैं, वो कैसे आसानी से एकदम 10 सेकेंड के अंदर आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए, ऐसे ही कुछ टेक्निकल चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, देखा ये मैंने पिक ली। हमेशा आपने को देखा जाता है कि अपने कोई मोमेंट कोई कुछ अच्छी मोमेंट की चीज़ें होती है, मेमोरेबल चीज़ें होती है, जिसको हम फोटो कैप्चर अपने मोबाइल में कैप्चर करते हैं। लेकिन क्या होता है कि उसमें भी अपने एक साथ एक जरूर नहीं कि एक ही पिक अच्छी सी हो, इसलिए अपने 5-10 फोटो क्लिक कर लेते हैं। लेकिन उसमें से जब हम इसको डिलीट करते हैं, यूजलेस जो फोटो होता है उसको डिलीट करने के चक्कर में अपने यूजफुल फोटोज भी अपने डिलीट हो जाता है। तो उसको हम रिकवर कैसे करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तेरी फोटो 100-100 बार कुड़े के उठ दे तूफान सीने विच, 100-100 बार कुड़े के उठ दे तूफान सीने विच। हाँ तो भाई, सब्सक्राइब किया या नहीं? अरे यार, सब्सक्राइब करो, चालू करता हूँ फिलहाल मैं। हाँ तो हमेशा देखा जाता है कि अपने अच्छे अच्छे जो मोमेंट होते हैं उसको कैप्चर करने के लिए हम अपना अक्सर क्या मोस्टली हम अपना मोबाइल यूज इस्तेमाल करते हैं। फिर उसमें क्या होता है कि हम अपने मोमेंट अच्छे मोमेंट की पिक्चर जो होती है उसको सेव करने के लिए, और जो यूजलेस इमेज है उसको डिलीट करने के चक्कर में हम यूज़फुल इमेज भी हम डिलीट कर बैठते हैं। तो फिगर में उसको वापस ना आने का अफसोस होता है कि अभी चला गया, कैसे आएगा। तो इसी के लिए एक नया ऐप आया है जिसके आप इस्तेमाल से आप आराम से कुछ ही सेकेंड में आप अपने जो भी फोटो डिलीट हुए हैं उसको आप आसानी से पा सकते हो। हाँ तो भाई, इस ऐप का नाम है डिस्क डिगर फोटो रिकवरी। इस ऐप के जरिए आप अपने सारे इमेजेस जो भी डिलीट हो चुके हैं यूजलेस या भी यूजफुल, उसको आप आराम से रिकवर कर सकते हो। सबसे पहले आपको इसमें आपको गूगल प्ले स्टोर से आपको ये ऐप इंस्टॉल करना होगा। फिर इसके अंदर आएगा, जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे फिर उसको ओपन करना है आपको, ठीक है? फिर बाद में इसके अंदर ऑप्शन आएगा स्टार्ट बेसिक, तो आप उस पर क्लिक करोगे जिसके बाद प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगा। उस पर क्लिक करते ही आपके पास प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगा और आपको डिलीट हुई जो भी इमेजेस है वो आपको शो होना शुरू हो जाएगी कि ये सारी इमेजेस आपके मोबाइल से आपके द्वारा डिलीट हुई है। तो आपको इसको रिकवर करने के लिए, फोटो रिकवर करने के लिए आपको फ़ोन को रूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रूट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस ऐप को आप डिलीट फोटो को वीडियो पे आप क्लिक करो और सेव कर लो अपने मोबाइल में, रिकवरी आसानी से हो जाएगी, ठीक है? और दूसरी है, ये जो ऐप है ये अभी कम से कम 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। गूगल ऐप में आप खोल के देख सकते हो कि क्या है इसका, इसके अंदर, और ये काफ़ी यूज़फुल साबित हो रहा है। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और प्ले स्टोर से आपको डिस्क डिगर डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। देखिए, आ जाएगा डिस्क डिगर फोटो रिकवरी, नीचे आ रहा है, दिख रहा है आपको फोटो रिकवरी, ठीक है? इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा सामने, ठीक है? ये देखिए, अभी 10 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं इसके अंदर, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। और फिर इसको इंस्टॉल करना है, मैं अभी इंस्टॉल नहीं करूँगा, इसको इंस्टॉल करना है। फिर बाद में जैसे इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको इस तरह से इमेजेस आएंगे, देखिए इस तरह, जो आप जो स्कैन किया, जो स्कैन करेगा, स्कैन बेस आएगा, उसको स्कैन करेगा तो इसके अंदर देखिए 115 फाइल मिल रहे हैं इस तरह से। और उसमें मैं इसको आप जो 4 फाइल, जो 115 फाइल मिले उसमें 4 फाइल आप अपने जीमेल या गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स किसी में भी आप सेव कर सकते हो इस तरह से, ठीक है? ये रहेगा सेव सेलेक्टेड फाइल्स लोकली, इस तरह से रहेगा। और ये देखिए, आपको इसके अंदर से आपको डेटा जो भी मिल रहा है इसके अंदर, दिस इज प्रोबेबली योर डिवाइस इंटरनल मेमोरी, आप
आपकी इंटरनल मेमोरी सेव कर सकते हो, जेपीजी फाइल, MP4, PNG, MP3, GIF, वेव, एमएक्स, कुछ भी आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि सेव कर सकते हो डेटा रिकवर, जो भी आपकी डिलीट हो गया भूल से उसको आप रिकवर कर सकते हो।